और स्वच्छ सर्वेक्षण में भले ही सीएम सिटी करनाल 3 स्टार रैंकिंग के साथ देश भर में तीसरे स्थान पर आया हो, लेकिन हकीकत में शहर में अलग अलग जगह लगे कूड़े के ढेर बता रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी कूड़ा उठान को लेकर कितने मुस्तैद हैं। आज इसी के मद्देनजर हरियाणा के करनाल शहर की स्वच्छता, सौंदर्यकरण व ओपन एयर जिम के रख रखाव को लेकर नगर निगम करनाल में एक बैठक हुई, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र, नगर निगम मेयर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता सहित नगर निगम, हुड्डा व हॉर्टिकल्चर विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान शहर के सौंदर्यकरण की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे, इसके लिए सुभाष चंद्र ने सभी अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने के सख्त निर्देश दिए। खाली ये नहीं कि जिम के जो इक्विपमेंट्स है केवल उन्हीं को चेक करना, इसके साथ बिन्स और वहाँ जो टॉयज है, झूले है, जिस उसमें भी कहीं कोई है तो वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो चेक हो जाएगा। एक आप बैठे ही हो, इसमें ये तय कर लो, जब तक आप इस सारे का कोई एक नोडल ऑफिसर नहीं बनाएंगे तब तक ये समस्या ऐसे ही आती रहेगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। साहब ने बना तो रखा, नहीं नोडल ऑफिसर हो तो फिर यहाँ का तो होना चाहिए ना, शहर का तो होना चाहिए, जिससे मैं सीधी सीधी बात करूँ की भाई ये काम आपके जिम्मे था। उसका काम यही होगा, वो कोऑर्डिनेट करेगा, हुड्डा के साथ भी करेगा, निगम के साथ भी करेगा, हॉर्टिकल्चर के साथ भी करेगा। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो क्यों है, वो उसकी जवाबदेही होगी। एक कोई नोडल ऑफिसर हो जाए, और नोडल ऑफिसर के जिम्मे कोई ये नहीं है कि अपना काम जो उसके जिम्मे उसको छोड़ करके ये काम संभालेगा, वो काम भी है। कितनी देर की जाट धर्मशाला के बैक साइड का नाला पड़ा, हाँ वो आपका ही है सर। वो आधा तो दरबारा सेक्टर में आता है तो आधा थोड़ा, लेकिन वो गंदगी क्या था सर, पहले जो चलता था उसमें पानी थी, इसका समस्या हमने सोची थी, बहुत गंदा मिट्टी से तो कोई भरेगा नहीं जी, जो सूखा कचरा या गंद कोई आता था ये समझो जी 50% वो भर गया है। अब हमारा तो सिर्फ 4 घंटी होती है सेक्टर 12 से जी, हम जो कई बार उधर से आपको भी कहा है इनसे बोला है, जो कई बार रात ना उधर से 12 वाले वो दूसरे सेक्टर में डाल जाते हैं, उसमें दिवाली सवेरी कोई भी ट्राली डाल, फिर भी हम कोशिश करते हैं उस पर मिट्टी या परसों जो भी हमें जेसी भी चलाते हैं। आज वो अखबार में छपा हुआ है, आपकी जानकारी में है, पहले भी आ गया तो उसका बार 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 वो पॉइंट जो है ना, बार बार वो पॉइंट हमारा हाईलाइट होता है। निगम सुरेंद्र जी आप भी उसकी चिंता करो, और ये भी दोनों मिल गया उसको एक बार देखो जी। ऐसा जी हमने ना ये होटल ना कई बार लिखा भी है, एम साहब ने हमसे बात भी करी है, कोई रिप्लाई नहीं आया वहाँ से, उसके बाद सफाई अभियान भी चलवाया था 2 अक्टूबर को, वही आगे मारी सुई अटकी थी, उठाएगा जो उठाने वाला लगता है वो उठा दो, तो उससे कारण हो जाएंगे। अभी इस टाइम मान लो कोई जानवर खाता खाता चला जाए तो वो धंस जाएगा, यदि मिट्टी डल जाएगी ना उसको आज ही करवा देगा। ठीक है आज कराओ, आज दोपहर बाद काम उसमें लगे नजर आए, उधर से दाएं बाएं से मिट्टी की। और दूसरा ना आप भी अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोलो, और आप भी बोलो कि भाई अब ये डंपिंग पॉइंट नहीं रहेगा, बोर्ड लगाना है तो बोर्ड लगाओ। आपकी प्रॉपर्टी है ना, वो उड्डा की है ना, तो आप लगाओ, उस पर क्या दिक्कत है, बंदा बैठा दो। हाँ ठीक है, वो सब तोड़ दिए, उसकी कोई दोबारा रख रखाव खैर खबर किसी ने ली नहीं आज तक। वो दो एक्चुअली कोई उतार के ही ले गया था जी, कुछ टूटे थे तो अब फर्दर कोई हमारे पास कोई प्लानिंग कोई योजना बनी है उसकी, एजेंसी वाले को बुलाया था जी दोबारा उसको रेक्टिफिकेशन करवाने के लिए, हो गए तो 15 दिन हो गए, उसको ठीक करवा देंगे। कराओ ठीक करो।